हेलो एवरीवन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमने लास्ट लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ा था, उसके नेचुरल मेथड्स पढ़े थे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दैट वाज द नेचुरल मेथड जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिफिशियली भी प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, मीन्स उनके वेजिटेटिव पार्ट्स को, नॉट द सीड्स, ग्रो करवाया जाता है सो दैट कि उनमें से एक नया न्यू ऑफस्प्रिंग प्लांट ग्रो हो सके। क्यों करवाया जाता है? वाई द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? ड्यू टू द वेराइटी एज वेल एज रैपिड ग्रोथ एंड मोर पॉपुलेशन। दीज आर द मेन रीजंस जिनकी वजह से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाई गई थी। ये मेथड आज भी यूज हो रहे हैं जिससे वेरिएशंस आती है, ग्राफ्टिंग की जाती है आगे प्लांट्स की, सो दैट कि डिफरेंट कलर के प्लांट्स, डिफरेंट शेप्स के प्लांट्स, हाइट, उस अकॉर्डिंग उनमें वेरिएशंस आती हैं, उनकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है साथ के साथ। ओके, सो इसमें भी आगे बच्चे फर्दर मेथड्स हैं। देयर आर द फोर मेथड। नंबर वन इज कटिंग, नंबर टू लेयरिंग, नंबर थ्री ग्राफ्टिंग, नंबर फोर इज टिश्यू कल्चर। दीज आर सम मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर? सो सबसे पहले हमने पढ़ना है अबाउट द कटिंग। क्या होता है इन दिस मेथड? प्लांट का स्टेम पार्ट, उसको कट करके एज सच मॉइस्ट सॉइल में उसको इम्प्लांट किया जाता है। फ्रॉम दैट इम्प्लांटेड पार्ट, उस स्टेम से ही एक नया इंडिपेंडेंट प्लांट ग्रो करता है, और साथ में उसकी सारी कंडीशंस को फुलफिल किया जाता है। उसको प्रॉपर वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। क्लियर? सो देयर आर द एग्जांपल इन इन द कटिंग मोड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, दैट इज द शुगर केन, रोज एंड मेनी मोर। ठीक है, शुगर केन, रोज, मैंगो, ये सारे प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कटिंग मेथड इनकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाई जा सकती है। ठीक है, सीड से भी ग्रो करते हैं बट आर्टिफिशियल विद द हेल्प ऑफ देयर स्टेम्स वो उनकी कटिंग करके उनको ग्रो करवाया जा सकता है। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लेयरिंग। लेयरिंग में क्या किया जाता है बेटा? प्लांट है, उसके जो डाउनवर्ड उनकी जो स्टेम्स होती हैं उनको डाउनवर्ड ग्रो करवाया जाता है। कैसे? लॉन्ग स्टेम्स को, उनके बाक को निकाल के स्टेम में से उसको सॉयल में सबमर्ज करवाया जाता है। लाइक प्लांट है, उसका स्टेम है, उसको इस तरह से इन द सॉयल उसको सबमर्ज करवाया जाता है। इसके ऊपर कुछ हैवी स्टोन वगैरह रख देते हैं, उसका बाक निकाल देते हैं, और उसको प्रॉपर वहां से जब न्यू ऑफस्प्रिंग ग्रो हो जाता है, न्यू प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, उसके रूट स्टेम आ जाते हैं, तब उसको पेरेंट प्लांट से कट कर दिया जाता है। दिस इज द लेयरिंग मेथड। ठीक है, लेयर्स की फॉर्म में इस साइड पे भी, उस साइड पे भी, थोड़ा डिस्टेंस पे उनको ग्रो करवाया जाता है सो दैट कि वो इंडिविजुअली ग्रो कर सके इन एन इंडिपेंडेंट प्लांट। क्लियर? सो एग्जाम्पल इनमें कौन कौन सी आती हैं? लेमन, रोज, जैस्मिन एंड सो ऑन। क्लियर? इन ये सारे प्लांट्स इन लेयरिंग मेथड से आर्टिफिशियली भी उनको ग्रो करवाया जाता है। सो नंबर थ्री इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में बेटा टाई अप किया जाता है दो पार्ट्स को, वन इज द स्टाइल एंड सेकेंड वन इज द स्टॉक। इन दोनों को टाई
टाई किया जाता है, अटैच किया जाता है एंड फर्दर उसको ग्रो करवाया जाता है। नाउ व्हाट इज द साइन? साइन क्या है? इट इज द यंग कटिंग पार्ट, जो हमने यंग प्लांट लिया है, यंग स्टेम ली है प्लांट की फ्रॉम द डिफरेंट स्पीशीज, फ्रॉम द सेम स्पीशीज बट द डिफरेंट प्लांट, एंड स्टॉक लिया है। स्टॉक जो रूटेड प्लांट है ऑलरेडी, उसको एज सच उसका पार्ट कट करके उसी शेप में, लाइक इस फॉर्म में हमने साइन लिया है। दिस इज द ऑलरेडी कट पार्ट, दैट इज द स्टॉक पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसके ऊपर हमने ये साइन पार्ट को आके अटैच करके उसको यहाँ टाई अप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड और एनी अदर थिंग। दोनों को अटैच किया जाता है ऑन फर्दर, वो आपस में ग्रो कर जाते हैं एंड उसमें से एक न्यू प्लांट ग्रो होता है, न्यू वैरायटी। फॉर एग्जांपल रोज की, फॉर वन हमने एग्जांपल ली है रेड रोज, वन वी हैव टेकन द वाइट रोज। जब रेड रोज का स्टॉक लेके और वाइट का साइन लेके हम उन दोनों को अटैच करके ग्रो करवाते हैं इन फेवरेबल कंडीशन, तो वो किसको जनरेट करता है, किस ऑफस्प्रिंग को, किस प्लांट को? दैट इज द पिंक कलर्ड फ्लावर रोज प्लांट। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। एंड साइन को और क्या कहा जाता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफ्ट, जिस पार्ट को किसी दूसरे पार्ट पे ग्राफ्टिंग की जाती है जिसकी। क्लियर? और साइन और स्टॉक के साथ साथ हम प्लांट का स्टेम में से, बाक में से बड को निकाल के प्लांट के किसी और स्टॉक में हम उस बड को यहाँ इंसर्ट भी करा सकते हैं। बुक में फिगर 2.11 में क्लियरली मेंशन किया है, बड लेकर उसको एज सच स्टॉक में इंसर्ट करवा के एज अ ग्राफ्ट उसको टाई अप करा है और वो फर्दर आगे विद द न्यू वैरायटी, विद द न्यू जेनेटिक वेरिएशन वो न्यू प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड मेथड, दैट इज द ग्राफ्टिंग मेथड। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इट इज वेरी कॉमन एंड वेरी एडवांस मेथड, जिसकी हेल्प से प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है आर्टिफिशियली। इसमें बेटा कोई भी प्लांट का पार्ट, इट कुड बी बड, स्टेम, सेल, टिश्यू, कुछ भी छोटे से छोटा पार्ट लेकर हम उसको एक कल्चर में ग्रो करवाते हैं। कल्चर जिसमें हम डिफरेंट एंटीबॉडीज, हॉर्मोन्स ऐड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं फॉर द प्रॉपर एंड गुड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्या किया जाता है दिस इन द दिस टिश्यू कल्चर? उसको आर्टिफिशियल कंडीशंस दी जाती हैं, हम लैब में टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज होती है उसमें ग्रो करवाते हैं। एक पैट्री डिश में लेके उस जिस प्लांट को, जिस पार्ट को हम ले रहे हैं, सपोज हम कोई भी छोटा सा बड ले रहे हैं, उसको एक पैट्री डिश में एक कल्चर में ग्रो करवाया जाता है, उसमें उसको इम्प्लांट किया जाता है। फर्दर लेटर ऑन उनकी स्टेजेस होती हैं, उसमें से छोटा छोटा जैसे जैसे ग्रो होता है उसको बड़े बड़े उसमें शिफ्ट करा जाता है कल्चर में अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्लांटलेट। देन जब वो प्रॉपर प्लांटलेट उसमें से रूट शूट छोटे छोटे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा ग्रो हो जाता है, तो उसको प्रॉपर क्रॉप में बाहर सॉइल में ग्रो करवाया जाता है। बट अर्लियर स्टेजेस में उसको लेबोरेटरी में, नॉट इन अ सॉइल, इन अ कल्चर ग्रो करवाया जाता है। कल्चर क्या होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड एंटीबॉडीज और बहुत सारे हॉर्मोन्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, उनको मिक्स करके उसमें उसको आर्टिफिशियली ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, स्टेप्स दिए हुए हैं जो ये पार्ट हम लेते हैं ना, लाइक हमने यहाँ पे बड लिया है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एक्स प्लांट कहा जाता है, जिसको हमने आगे एज अ कल्चर लेके ग्रो करवाना है इनटू द न्यू, किसी दूसरे प्लांट से लेके उसको, फॉर एग्जांपल शुगर केन, राइस, एलोवेरा, ठीक है, इन सब की कोई भी पार्ट को लेकर हम उसमें से ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसके स्टेप्स हैं कुछ। सबसे पहले एक्स प्लांट को लिया जाता है, उसको अच्छे से वॉश करके उसको इन द लैब, टिश्यू कल्चर लैब में कल्चर लिया जाता है जिसके ऊपर उसको ग्रो करवाया जाता है। मीडियम देते हैं उसको, मीडियम कहते हैं उस कल्चर को जिसमें उसको ग्रो करवाया जाता है। ठीक
ठीक है। सो उसको उस मीडियम में सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, उसको आर्टिफिशियल सन सनलाइट एज सच बाहर से नहीं दी जाती, लैब में ट्यूबलाइट्स हो सकती हैं, सनलाइट भी दे सकते हैं बाहर से, उसमें उसको ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। देन जब वो उसमें उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दो हॉर्मोन्स का मिक्सचर जरूर डाला जाता है, ऑक्सिन इक्वल रेशियो में। ऑक्सिन उसको ग्रो करवाता है फ्रॉम द टिप पार्ट, शूट्स के पार्ट को डेवलप करवाता है प्लांट के, और जो साइटोकाइनिन है वो शूट पार्ट को, लोअर रूट्स वगैरह को ग्रो करने में हेल्प करता है, क्लियर। देन उसको बड़े कल्चर में शिफ्ट किया जाता है, जब वो कैलस बन जाता है, CALLUS, कैलस। कैलस क्या होता है? इट्स नॉट अ काइंड ऑफ टिश्यू, ये क्लम्प होता है, जब सेल्स डिवेलप होते हैं उनका एक क्लस्टर होता है, उसे कैलस कहा जाता है, ठीक है। जो फर्दर ग्रो होता है इन फेवरेबल कंडीशंस, ग्रो होने के बाद वो एक छोटे से प्लांट में राइज होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें से रूट्स और शूट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब इस स्टेज में आता है उसको क्रॉप में ग्रो करवाया जाता है विद द अदर प्लांट्स। इज इट क्लियर? दिस इज द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर, एंड टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या एडवांटेजेस हैं दिस इन दिस मेथड? डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी मिलती है, मींस बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो क्रॉप, वो प्लांट किसी भी डिजीज से इन्फेक्ट हो सके। उसकी हाई यील्ड होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और बहुत अच्छे से ग्रो करता है, वैरायटी आती है, लिविंग सारे जेनेटिक वेरिएशंस भी कर सकते हैं, और वेरी रैपिड ग्रोथ होती है उनकी, क्लियर। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द टिश्यू कल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इसके स्टेप्स भी हैं साथ में, जिसपे आपको पूरा क्वेश्चन आएगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो दैट्स इट, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर।